वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई, क्रिस्पी फ़िश फ्राई। फ़िश हमने ऐसे साफ़ करके रखी है, इसको ज़रा हमने डीप कट लगाया है क्योंकि अंदर मसाला जाने के लिए। देखिए दोनों साइड से हमने ऐसे कट लगा कर रखे है। एक टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, एक टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर या आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर, एक टीस्पून अजवाइन और एक टीस्पून भुना कुटा दरदरा पिसा हुआ धनिया और जीरा है। दो टेबल स्पून हमारा चने का आटा है, आधा नींबू का जूस, थोड़ा सा हम पानी डालकर, 4-5 टेबल स्पून हम पानी डालकर इसको मसाला मिक्स करके रखेंगे, फिर फिश पर लगा लेंगे। देखिए मैंने अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स किया है। भी अच्छे तरीके से हम अंदर भी जो कट लगाए हो उसमें भी मसाला ऐसे लगाते जाएंगे। बहुत अच्छी लगती है फिश फ्राई, आप ज़रूर हमारी तरीके से ट्राई करते रहना, आपको बहुत पसंद आएगी। अंदर भी इसके पेट में भी हम मसाला लगा लेंगे। अभी हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से मसाला लगाकर देखें। अभी हम दूसरी को भी लगा कर रखेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप डीप फ्राई कर सकते हैं इसको क्योंकि इसमें बेसन गया है, तो फिश डीप फ्राई अच्छी लगेगी। देखिए हमने दोनों फिश को लगा लिया है, अभी 10 मिनट के बाद हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम फिश को डालकर इसको फ्राई कर लें। पाँच सात मिनट के बाद हमने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से क्रिस्पी बनाने का है। देखिए एक साइड से हमारी फिश फ्राई हो चुकी है, अब हम दूसरे साइड से इसको टर्न करके फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमारी फ़िश क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होते जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल ज़रूर दबाए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। अल्लाह हाफिज़।